नमस्कार, मैं हूं रितिका शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी गुरुवार को एक बार फिर विवादों का केंद्र बनता नजर आ रहा है, क्योंकि अब जब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 25 किसान संघों के प्रतिनिधियों ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के साथ जिले में अगले कदम के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक करने के बाद निर्णय लिया है। इस निर्णय में राजापुर कृषि उत्पादन मंडी समिति में अपनी लंबित मांगों के लिए किसानों ने 75 घंटे का धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना भारतीय किसान यूनियन टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा के कई घटक मिलकर कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में न्याय की मांग को लेकर 18 से 20 अगस्त तक धरना प्रदर्शन करेगा। किसान नेताओं का दावा है कि इस मामले को देखने के लिए सरकार के पिछले आश्वासन के बावजूद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पद पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि खीरी हिंसा मामले में टेनी का बेटा आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है, जबकि खीरी कोर्ट में किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता हरजीत सिंह ने कहा, चार राज्यों के किसान संघ के नेता तीन भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित लिंचिंग के आरोप में जेल में बंद अपने किसान भाइयों का समर्थन करने के लिए खीरी में इकट्ठा होंगे। उनके परिवारों ने कहा कि मंत्री के बेटे के खिलाफ अपना बयान बदलने के लिए अधिकारी उन पर जेल में दबाव बना रहे हैं। शाहजहांपुर में एक फॉर्म यूनियन के जिलाध्यक्ष मंजीत धारीवाल ने कहा, हम गवाहों के लिए तत्काल सुरक्षा की मांग करते हैं। गवाहों पर दो हमले पहले ही हो चुके हैं और प्राथमिकी के बावजूद आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा 10 मई को खीरी में एक महापंचायत होने की भी उम्मीद है। आपको बता दें कि पिछले साल 3 अक्टूबर को जिले के तिकुनिया इलाके में भड़की हिंसा के दौरान लखीमपुर खीरी में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने, साल भर के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की भी मांग किसान कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह ने कहा, उनकी लंबित मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए 75 घंटे के धरने का आयोजन किया गया है। बीकेयू टिकैत के राष्ट्रीय संगठन सचिव भूदेव शर्मा ने कहा कि किसान 3 अक्टूबर 2021 की तुकनिया हिंसा के सिलसिले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग करेंगे, जिसमें उनके बेटे आशीष मिश्रा प्रमुख आरोपी हैं। इस बीच पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई अन्य हिस्सों से किसान प्रदर्शन में भाग लेने के लिए लखीमपुर पहुंचने लगे हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। धरना में बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के अलावा दर्शन सिंह पाल, जोगिंदर सिंह उग्राहन, योगेंद्र यादव, संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य प्रमुख नेता भी शामिल होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोज उपलब्ध हैं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।